अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है ईजी चिकन कैसरोल। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी, तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे आधा किलो जितनी बोनलेस चिकन थी, इसको मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था, बिल्कुल छोटे छोटे इसके क्यूब्स कट कर लिए। और ये 3 कप जितना मेरे पास बॉयल पास्ता है, जिस तरह से आपको पैकेट में इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती वैसे ही आपने इसको बॉयल करके स्ट्रेन करके मैंने रख दिया है। और थोड़ा सा इसको मैंने ऑयल लगा के रखा है ताकि ये बिल्कुल भी चिपके ना। 1/2 कप स्वीट कॉर्न है और 2 शिमला मिर्च को मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। और ये मेरे 10 टमाटरों की मैंने यहाँ पर देखें, ये पूरी 1 कप भर के टोमेटो प्यूरी है। सिंपल आपने 10 टमाटरों को कट लगा कर और फिर इसको पानी में 5 मिनट बॉईल करना है। फिर इसका छिलका उतार कर और ब्लेंडर के अंदर ऐड करके आपने इसको अच्छे से बिना पानी के ब्लेंड कर लेना है। तो ये 1 कप आपकी टोमेटो प्यूरी अच्छी सी रेडी हो जाएगी। और ये 1 प्याज है बिल्कुल बड़ी सी, मैंने इसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया। और 1/2 बंच इसके अंदर लहसुन का है, जो बड़ा वाला बंच होता है मैंने 1/2 लिया था, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। और 1 कप भर के चेडर चीज़ है और ये 1/2 कप जितना ही टोमेटो केचप है, 1 टीस्पून जितनी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और 1 टीस्पून जितना ही मिक्स्ड हर्ब्स हैं। मिक्स्ड हर्ब्स जो आते हैं बॉटल में वो लिए। अब बस सिंपल ही अपने पैन के अंदर मैंने 1/4 कप जितना ऑयल ऐड कर दिया। और अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने 1/2 बंच ऑफ गार्लिक को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था ये मैं ऐड कर दूँगी। और 1 प्याज बिल्कुल बारीक चॉप की हुई ये मैंने ऐड कर दी। अब इन दोनों को मैं जब तक फ्राई करूँगी जब तक इसके अंदर अच्छा सा नाइस गोल्डन सा कलर आ जाए। ठीक है, देखिए मैंने इसको अच्छे से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही इसके अंदर नाइस गोल्डन सा कलर आ जाएगा ठीक है जी बिल्कुल, तो आप देखें अब इसके अंदर नाइस गोल्डन सा अच्छा सा कलर आ गया है। ना हमने इसको ज़्यादा डार्क करना है ना बिल्कुल लाइट करना है, मीडियम सा रखना है। अब मैं इसके अंदर अपनी चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन को ऐड करते ही साथ मैं इसको जब तक चिकन को अच्छे से फ्राई करूंगी कि चिकन का बिल्कुल जो ये कलर बिल्कुल इसका चेंज हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए और ये बिल्कुल वाइट इसका कलर हो जाए। कलर चेंज होने तक मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। हाई फ्लेम पर मैंने यहाँ पर इसको फ्राई किया था ताकि जो इससे क्या होता है जो आपके चिकन के अंदर जो जूसेस होते हैं ना वो बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होते और आपकी चिकन बहुत ही अच्छी सी जूसी सी बनती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मेरा चिकन का बिल्कुल अच्छा खासा कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये तीनों अपने स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, मिक्स्ड हर्ब्स, सॉल्ट और कुटी हुई लाल मिर्च। अब बस इसको मैं अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसके अंदर टोमेटो प्यूरी ऐड कर दूंगी। और टोमेटो प्यूरी ऐड करते ही बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और अब मैं इसे जब तक कुक करूंगी जब तक के चिकन अच्छी सी गल जाए, सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। और मैं इसे साथ साथ ही भूनती रहूंगी ताकि चिकन भी गल जाए और जो टोमेटो प्यूरी है वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, मैंने इसे अच्छी और मैंने इसे इस स्टेज पर स्लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे भून रही थी। और देखें यहाँ पर मेरी चिकन अच्छी खासी गल गई है। अब मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दी जो मैंने क्यूब्स में कट की हुई थी। मसाला देखिए अब मैंने अच्छा खासा भून गया। मैंने स्वीट कॉर्न ऐड कर दिए और साथ ही मैंने टोमेटो केचप भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस स्टेज पर मेरी चिकन बिल्कुल अच्छी खासी तकरीबन डन हो गई थी। सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने इसको मिक्स करके सबको अच्छे से ताकि जो सारा मसाला एक दूसरे के अंदर अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए, मिक्स हो जाए। जी, तो अब देखें ये मेरा मज़ेदार सा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है पास्ता का। अब मैं इसके अंदर ये अपना बॉयल्ड पास्ता ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। पास्ता ऐड करते ही मैं इसको मसाले को पास्ते को बिल्कुल अच्छे से टॉस करूंगी ताकि जो मसाला है मेरा वो सारा पास्ते के अंदर अच्छे से लग जाए। जी, तो अब देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ऊपर नीचे से बिल्कुल हर तरीके से आप देखें मसाला और पास्ता एक दूसरे के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको जो है वो ओवन प्रूफ डिश के अंदर यानी कि जो मेरी पायरेक्स की डिश है मैं उसके अंदर डाल के इसको मैं बेक करूँगी चीज़ के साथ। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप यही प्रोसीजर आप बिल्कुल स्टोव पर भी कर सकते हैं। आप इसको यहीं इस स्टेज पर ही आपने इसके ऊपर चीज़ टॉप करी और आप इसको सिंपल स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी इसी के अंदर और आपका मज़ेदार सा कैसरोल रेडी हो जाएगा। अब देखें ये मैंने अपनी ओवन प्रूफ डिश ले ली पायरेक्स की सिंपल सी। अब मैंने इसके अंदर हाफ मैं इसको पहले लेयर करूँगी एक पास्ते की। अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दी पहले बीच में, चेडर चीज़ है ये 1 कप जितनी जो 1 पैकेट आता है ना स्टैंडर्ड साइज़ का, मैंने वो पूरा भर के लिया था। ठीक है, यानी कि पूरा वो पैकेट लिया था। अब मैंने ये चीज़ ऐड कर दी। अब मैंने इसके ऊपर रिमेनिंग पास्ता जो भी था वो मैंने ऐड कर दिया सारा।
अब बस मैंने पास्ता जितना भी था वो मैंने ऐड करके इसके अंदर, अब मैं इसको पूरा चीज़ से कवर कर दूँगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। यही स्टेप आप बिल्कुल माइक्रोवेव ओवन में भी कर सकते हैं, आप अपने स्टोव में भी कर सकते हैं और आप गैस ओवन में भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबिलिटी आप वो कर सकते हैं। कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आप भी वैसे करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी ओवन नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको स्टोव पर भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको प्री हीटेड ओवन के अंदर 15 मिनट बिल्कुल बस 15 मिनट मैं इसको बेक करूँगी कि चीज़ अच्छी सी मेल्ट हो जाए मेरी और चीज़ के अंदर नाइस गोल्डन सा कलर आ जाए बस, ठीक है। अब देखिए मैंने इसके ऊपर इस तरीके से मैंने शिमला मिर्च डाल दिए, शिमला मिर्च के रिंग्स निकाल कर जस्ट फॉर डेकोरेशन डाली, आपकी टोटली चॉइस, आपको डालना है डालिए, आपको नहीं डालना तो आप बिल्कुल इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैंने अपने प्री हीटेड ओवन के अंदर डाल दिया, मैं इसको सिर्फ 15 मिनट बेक करूँगी। और अब ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया था, देखिए इसके अंदर चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई और नाइस गोल्डन सा बिल्कुल कलर भी आ गया है। आप बिल्कुल यही डिश आप इसको सेम स्टेप बिल्कुल आप माइक्रोवेव ओवन में भी मेल्ट कर सकते हैं, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छा सा फ्लेवरफुल बनेगी, वैसे ही बनेगी जैसे इसके अंदर बनी है, और आप इसको स्टोव पर भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखिए अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ, देखिए जी, तो अब मैं अपने मज़ेदार से ईजी चिकन कैसरोल को मैं डिश आउट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें बिल्कुल मज़े सा बिल्कुल ईजी सी रेसिपी है ये, बिल्कुल आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।